गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड बेरग्नॉन्स थ्योरम और बेरग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और लॉ ऑफ मोमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेरग्नॉन्स थ्योरम? इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली on a particle, the algebraic sum of the moments of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point. That is, यदि कई coplanar forces एक point पर या एक particle पर एक साथ कार्य कर रहे हो, तो किसी भी बिंदु के about सभी बलों के moments के एल्जेब्रिक सम एक ही बिंदु के अबाउट उनके रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर होते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दी यदि कोई कोप्लेनर फोर्सेज एक बॉडी पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके प्लेन में एक बिंदु के अबाउट मोमेंट्स के एल्जेब्रिक सम एक ही बिंदु के अबाउट उनके रिजल्टेंट मोमेंट के बराबर होते हैं. नाउ लेट एफ वन एंड एफ टू बी द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी हुज रिजल्टेंट इज एफ. देन मोमेंट ऑफ फोर्सेज एफ वन एंड एफ टू अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा? यहां से मोमेंट हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है, फॉर फोर्स एफ वन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर. एंड ऑल्सो फॉर फोर्स एफ टू के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर. सो एफ वन आर प्लस एफ टू आर. दैट इज यहां से अगर हम आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ वन प्लस एफ टू. कह सकते हैं कि आर इंटू एफ, क्योंकि एफ जो मेरा है वो रिजल्टेंट है एफ वन एंड एफ टू का. सो दैट यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि आर जो है मेरा, या कह सकते हैं कि एफ जो है वो क्या है, एफ वन प्लस एफ टू. दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्सेज एफ वन एंड एफ टू अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ वन प्लस एफ टू. That is, we can say that if a number of coplanar forces are acting on a body, then the algebraic sum of their moments about a point in their plane is equal to the moment of their resultant about the same point. Now, again, let F1 and F2, F1 and F2 be the two forces represented by the lines AB and AD, and let O be the point about which moment is to be taken. Now, from O, draw a line OC parallel to the AB, meeting at AD at point D. Join BC, BC को हम लोग क्या करते हैं, join करते हैं to complete parallelogram. Now we join the diagonal AC, which gives the resultant R of the two forces. That is, AC diagonal जो है वो F1 and F2 का resultant यहाँ पे दे रहा है. That is, F1 and F2 यहाँ पे दो forces है जिसका resultant क्या है, यहाँ पे R है. Now ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, यहाँ पे मैंने ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर दिया. नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल ओ ए बी, मान लिया कि मेरा कोई ट्रायंगल है ओ ए बी, इफ ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए बी एंड ओ बी द पॉइंट about which moment of the force is to be calculated, then moment of the force about point O क्या होता है, 2 into area of triangle OAB.
एंड इसका प्रूफ आप मेरे पहले की वीडियो कंसेप्ट ऑफ मोमेंट में आप इसको देख सकते हो. सो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी. ऐसा क्यों होगा? सिंस दीज ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस दैट इज ए बी एंड बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस दैट इज डी सी. आप देख सकते हो कि ट्रायंगल मेरा ए ओ बी के लिए बेस क्या है? ए बी. एंड ऑल्सो फॉर ट्रायंगल ए बी सी इसके लिए भी बेस क्या है? मेरा ए बी. एंड ट्रायंगल ए डी सी इसका बेस क्या है? मेरा डी सी, जो कि ए बी के पैरेलल है. सो इस तरह से सिंस दिस ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन दिस टू सेम पैरेलल लाइंस दैट्स व्हाई तीनों ट्रायंगल जो होंगे क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे. दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्सेज एफ वन एंड एफ टू अबाउट पॉइंट ओ. दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एफ वन अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा? चूंकि पॉइंट एफ वन जो है मेरा ट्रायंगल किस में लाई करेगा? ओ ए बी में. एंड सिंस फ्रॉम ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग जानते हैं कि अगर हम इस फोर्स के लिए एफ वन फोर्स के लिए ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो मेरा जो क्या होता है मोमेंट क्या होता है? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फ्रॉम दिस फॉर्मूला जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया. सो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ वन अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स एफ टू अबाउट पॉइंट ओ. एफ टू फोर्स जो मेरा लाई करता है वो ट्रायंगल ओ ए डी में लाई करता है. दैट इज अगर हम एफ टू फोर्स का मोमेंट पॉइंट ओ के अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए डी फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट. दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एफ टू अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू ट्रायंगल ओ ए डी का एरिया. नाउ सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट पॉइंट ओ. अब हम दोनों फोर्स का जो मोमेंट निकला पॉइंट ओ के अबाउट उसको सम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी. एंड फ्रॉम द अबव इक्वेशंस वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी. सो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी ऑल्सो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अगर दोनों का हम यहाँ पे सम कर देते हैं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी के बराबर होगा. दैट इज आप यहाँ से देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी यानी ये ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी. ओ ए डी मीन्स ये ट्रायंगल मेरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों का जो सम होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके हो जाएगा? ओ ए सी ये पूरा एरिया कवर करेगा. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर अबाउट ओ. चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ओ ए सी में मेरा रिजल्टेंट फोर्स आर कंसिडर हो रहा है. एंड पॉइंट ओ के अबाउट फॉर रिजल्टेंट फोर्स आर के लिए मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाएगा मेरा? 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए सी. सो दैट क्या हो गया यहाँ? 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए सी दैट इज मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर अबाउट ओ. दैट इज सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू फोर्सेज अबाउट पॉइंट ओ इक्वल टू मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर अबाउट ओ. दिस प्रूव्स द बेरिंगटन्स थ्योरम. दैट इज इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स
of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point. That is, यदि कई कोप्लैनर फोर्सेज एक पार्टिकल पर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो किसी भी बिंदु के अबाउट सभी बलों के मोमेंट्स के एल्जेब्रिक सम एक ही बिंदु के अबाउट उनके रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर होते हैं. दिस प्रूव्स द बेरग्नॉस थ्योरम. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बेरग्नॉस थ्योरम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.